साथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेनगंगा नदी में बाढ़, मराठवाड़ा और विदर्भ का संपर्क टूटा। जलगांव के मुक्ताई नगर में भी मूसलाधार बारिश। यवतमाल में बादल फटने जैसा बारिश। हिंगोली में बारिश का हाहाकार। नांदेड़ जिले में भी मूसलाधार बारिश। वाशिम जिले में नदियों और नालों में बड़ा बाढ़। परभणी में नागरी इलाकों में बारिश का पानी प्रवेश। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है, खासकर मराठवाड़ा में भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। नांदेड़ जिले में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। रात से नांदेड़, हिंगोली और यवतमाल जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। इस बारिश के कारण मराठवाड़ा और विदर्भ की सीमा पर बहने वाली पेनगंगा नदी में बड़ा बाढ़ आ गया है। नदी ने खतरे के स्तर को पार कर लिया है। बाढ़ का पानी नांदेड़ जिले के माहूर के पास के पुल से बह रहा है, जिससे मराठवाड़ा और विदर्भ का संपर्क टूट गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नदी किनारे के गांवों को सतर्क रहने का आह्वान जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। यवतमाल जिले में अत्यधिक बारिश के कारण सभी नदियां और नाले भरकर बह रहे हैं। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों के लिए मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों में मूसलाधार से लेकर अत्यधिक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिश मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भी होने की संभावना है। बारिश की तीव्रता कल भी बनी रहने की संभावना है। KS होसालीकर ने बताया कि 4 सितंबर से बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। लातूर जिले में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण छोटे बड़े नालों और नदियों में बाढ़ आ गई है, खासकर लातूर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लातूर जिले में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ और तेज बारिश होने की संभावना है। लातूर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी बारिश जारी है, जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कई खेतों में पानी भर जाने के कारण फसलों का नुकसान हुआ है। लातूर जिले के उदयगीर, अहमदपुर, रैनापुर, चाकुर, निलंगा क्षेत्रों में फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। नांदेड़ जिले में सुबह से जोरदार बारिश शुरू हो गई है। दोपहर 1 बजे के बाद मौसम विभाग ने नांदेड़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिले के 26 राजस्व मंडलों में अत्यधिक बारिश हुई है। गोदावरी नदी और अन्य छोटे बड़े नदियों और नालों में बाढ़ आ गई है। कई दिनों से नांदेड़ जिले में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज की जोरदार बारिश से खरीफ की फसल खतरे में आ गई है। कई क्षेत्रों में खेतों में पानी भर गया है, जिससे मूंग, सोयाबीन और अन्य फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। नांदेड़ जिले के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्कता के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है और जहां मदद की जरूरत है वहां आवश्यक साधन सामग्री के साथ तैनात रहने की सूचना बचाव दलों को दी गई है। जिले के 63 मंडलों में से 26 मंडलों में 65 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। किनवट, हिमायतनगर, हदगांव, भोकर, मुदखेड़ जैसे तालुकों में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। नागरिकों को खतरे वाले क्षेत्रों में जाने से बचने का आह्वान जिला प्रशासन ने किया है। अत्यधिक मूसलाधार बारिश ने जिले की कई नदियों और नालों में बड़ा बाढ़ ला दिया है। मानोरा से कारंजा मार्ग दापुरा के पास के नाले में आए बड़े बाढ़ से बंद हो गया है। इसके साथ ही झंझोरी गांव के पास के नाले में बड़ा बाढ़ आने के कारण झंझोरी जामदरा मार्ग भी बंद हो गया है। खेतों में फंसे किसानों को मुश्किल हो रही है। मंगरूल पीर तालुक के कोठारी बोरम्वा क्षेत्र के नाले में भी बड़ा बाढ़ आया है। पोरा देवी शिवार के खेतों में पानी भर जाने से कृषि का बड़ा नुकसान हुआ है। बीड़ जिले के परली तालुका में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नागपुर बांध ओवरफ्लो हो गया है। इसके कारण नदी किनारे के गांव को सतर्कता का इशारा दिया गया है। लगातार बारिश के कारण परली शहर और 15 गांव को पानी आपूर्ति करने वाला नागपुर बांध ओवरफ्लो हो रहा है। बांध का पानी वाड़ नदी के रास्ते छोड़े जाने के कारण नदी का पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है। इससे नदी किनारे के गांव को सतर्कता का इशारा दिया गया है। परवणी में बारिश का जोर कायम है। परवणी में कल से 65 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। धीरे धीरे पानी अब निम्न स्थित शहरी इलाकों में प्रवेश कर रहा है, जिससे नागरिकों के लिए यहां घर में जाने का रास्ता नहीं बचा है। ऐसी स्थिति जारी रही तो अत्यधिक बारिश की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। हिंगोली जिले में भी मूसलाधार बारिश जारी है।
हिंगोली शहर के बांगर नगर क्षेत्र में स्थित मॉल में शटर तोड़कर पानी अंदर चला गया है। व्यापारी बता रहे हैं कि मॉल में अभी भी पानी सिर के ऊपर है। मॉल में किराना, फ्रिज, काउंटर और अन्य सामान भी बह गए हैं, ऐसा व्यापारी बता रहे हैं। जलगांव के मुक्ताई नगर में भी मूसलाधार बारिश हुई है। 8 दिनों की विश्रांति के बाद बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मुक्ताई नगर तालुका में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिससे किसानों को बड़ा राहत मिली है। वहीं गर्मी से परेशान नागरिकों को भी बड़ी राहत मिली है। यवतमाल जिले के पुसद में बादल फटने जैसी बारिश ने वड़सठ नाले में बाढ़ ला दी है। बाढ़ के कारण नाले ने रौद्र रूप ले लिया है। इस बाढ़ से इस क्षेत्र की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया था। इस दौरान नाले के पास के एक घर में पानी घुस गया और घर में 3 लोग बाढ़ में फंस गए थे। विधायक इंद्रनील नाइक ने तुरंत यंत्रणा को बुलाकर फंसे 3 लोगों को बचाया। पेनगंगा नदी में बाढ़ आने के कारण धनोड़ा के पास पुल पानी में डूब गया है, जिससे दोनों तरफ की यातायात ठप हो गई है। विदर्भ और मराठवाड़ा का संपर्क टूट गया है, जिससे यवतमाल माहूर से किनवट राज्य मार्ग बंद है।